आज जा रहे हैं एक स्पेशल जगह, थोड़ा सा स्पेशल ही है क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ ना। हाँ तो देखो व्यू कैसा लग रहा है, अभी कोई बवाल करेगा उससे अच्छा निकलते हैं। सोचा कुछ अंदर का दिखाते हैं, गली में नजारे दिखाते हैं जयपुर के। थोड़े से अंदर घुसे तो तार लटका हुआ, पता नहीं कहीं का था, अभी झूल जाता मैं तो तार पे ही। बढ़िया ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हमें खेलने के तो शौकीन रहे हैं हम हमेशा से, तो बस निकल लिए फिर, ज्यादा टाइम थोड़ा लगता है। हमें जलवा है हमारा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ राधे राधे, आता हूँ। नितिन के आदर्श नितिन, हाँ कर देंगे बेटा। गेमिंग ब्रो माउंटेन और एजेंट वाईटी गेमिंग, ठीक है। के राइडर आदर्श है ना, माउंटेन और एजेंट वाईटी गेमिंग। बच्चों को आजकल क्या हो गया, बच्चे हमसे ज्यादा बच्चे बच्चे वो बड़े हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि इतनी सी उम्र में इन्होंने चैनल खोल लिया, हमने हमारे को तो भनक भी नहीं लगी थी इतनी सी उम्र में। खैर कीप इट अप ब्रोस, एंड अगर किसी को गेमिंग का शौक है तो यार जाके सब्सक्राइब करो दोस्तों के चैनल को, है ना। दोस्तों डायरेक्ट बाइक से व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, और वो क्यों कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों आज है संडे, एंड संडे तो ऑब्वियसली बात है सुबह राइड तो होनी बनती है। हालांकि ऑलमोस्ट हर संडे राइड होती है, कहीं छोटी होती है कहीं बड़ी होती है, तो आज भी छोटी सी राइड है, इसलिए सोचा क्यों ना बाइक से ही डायरेक्ट किया जाए व्लॉग स्टार्ट। हालांकि सुबह 3:30-4 से उठा हुआ हूँ, व्लॉग एडिट कर रहा था, लेट हो गए, अभी बज रहे हैं 7, एंड इसी के साथ साथ पूछ लेते हैं गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप? आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से नितिन के आदर्श व्लॉग्स में। तो होप करता हूँ अभी मेरी तरह बढ़िया ही होंगे, एंड अपने काम को, वर्क को, जॉब को, फैमिली को एंड सबको इंजॉय कर रहे होंगे मेरी तरह, है ना। एंड वेलकम टू माई अनदर व्लॉग। आज जा रहे हैं एक स्पेशल जगह, थोड़ा सा स्पेशल ही है क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ ना। लेके कौन जा रहा है वो हमें स्पेशल जगह, चलो दिखा दें। तो वो लेके जा रहे हैं मिस्टर रोहित मोटा, और आज हमारे साथ में पायल भी है, पिलियन बनी हुई, हालांकि दिखाया नहीं मैंने उसको लेते। तो अभी कहाँ गए हम, चांदपुल, कुछ तो पता चल ही गया होगा हम कहाँ जा रहे हैं एग्जैक्टली, लेकिन आई थिंक मेरे हिसाब से अभी भी आपको पता नहीं है हम कहाँ जा रहे हैं, जो आप सोच रहे ना वो बिल्कुल भी नहीं है, तो डोंट वरी। हाँ तो देखो व्यू कैसा लग रहा है, अंकल जी ने पहले ही बोल दिया, कैप्चर भी नहीं कर पाया मैं, अलाउ नहीं रोकना। ये जैन मंदिर है, और अभी इन्होंने कहा ना कि अभी जैनों को अलाउ है ओनली, अभी मॉर्निंग के अंदर तो है, मतलब जैन जा सकते हैं यार। अभी ये तो भाई इनके रूल है, अगलों के मंदिर बना दिया तो वो होता ना कास्टिज्म है यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, कह रही है तो बंदे अंदर है क्या वैसे? अरे उधर से अंदर जाते हैं ना, तो वो जो नहीं क्या वो अंडरपास है क्या बोलते हैं, उसका व्यू आता है, तो व्यू एक नंबर। इसको आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा जेएनयू में है। आईडी चेक कर रहे हैं हम खड़े हैं बाहर। तू बता चल वहाँ पे रुकते थोड़ी देर, वहाँ से फिर निकलेंगे आगे, फिर चलेंगे सम्राट, चलेंगे चाय वाय पी के निकलेंगे फिर। चलो तो निराशा मिली यहाँ से हमें, ये है व्यू यहाँ से, लेकिन कंफर्म है अंदर से बहुत अच्छा व्यू आता और बहुत अच्छी जगह थी बैठने की, लेकिन कोई प्रोग्राम चल रहा है उधर इसलिए 9 बजे एंट्री ऐसा है। लेकिन इसकी थोड़ी सी क्या होते हैं वो होता है ना, अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है, इन्फॉर्मेशन क्या होते हैं अधूरी इन्फॉर्मेशन के कारण। अरे गूगल मैप पे चेक कर लो यार सुबह तो मैं इसकी खोल फिर। अरे वो बोल रहा हूँ कोई पूजा वगैरह, ये आगे गार्ड साहब, हटाओ गाड़ी हटाओ। चले फोटो भी नहीं लेने दी, हटाओ। आएगा भाई वो अभी फिर फोटो, वो फिर सीटी बजाएगा, नीचे चल के खींच लेंगे, छोड़ चल फिर आ जाएंगे, इसकी वजह से अधूरी इन्फॉर्मेशन की वजह से आएंगे दोबारा आएंगे, फिर कभी आ जाएंगे संडे को फिर आ लेंगे, जल्दी जल्दी करने में ये होता है जल्दी में, देख लेट आते तो भी खुला मिलता ना। कोई नहीं चल चल निकलते फिर यहाँ पे, निकलते हैं
क्या ही रुकना, अभी कोई बवाल करेगा उससे अच्छा निकलते। बवाल करेगा अब, यहाँ कौन बवाल करेगा, वो देखो वहाँ पे कितने जने खड़े हैं। क्या करने गए वो कहाँ पे? अरे ट्रैकिंग वगैरह का सीन चल रहा है आजकल ज्यादा ही जयपुर में, वही है ये काम। चलो भाई, रोहित ने बहुत अच्छी जगह घुमाई, मजा आ गया, अंदर से बहुत अच्छा व्यू था। एक भी कमेंट ऐसा आ जाना कि व्यू खराब है। अब वो तू ही करेगा, देख लेना ब्यूटीफुल व्यू। बहन की व्यू था कहाँ ये बता तू पहले। देख लो अभी कहाँ निकल रहे हैं, घाट की घुड़ी में से निकल रहे हैं बिल्कुल। अगर मैंने इस जगह का नाम अगर पूरे वीडियो में बोला भी होगा ना, तो मैं एक बार के लिए ना उसको म्यूट करूँगा। आप मुझे बताओगे सब कि हम एग्जैक्टली आए कहाँ थे, है ना, कमेंट करके बताओ दोस्तों। सोचा कुछ अंदर का दिखाते हैं, गली में नजारे दिखाते हैं जयपुर के, थोड़े से अंदर घुसे तो तार लटका हुआ पता नहीं कहीं का था, अभी झूल जाता मैं तो तार पे ही बढ़िया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वो जहाँ पे ज्यादा भीड़ लग रही है ना वही है। रुको जरा, सबर करो। जहाँ पे सबसे ज्यादा भीड़ लग रही है वही है। तुमसे ना हो पाएगा सम्राट, अब यहाँ का वीडियो नहीं बनाया तो तेरे क्या ही बनाया जिंदगी में। तेरे चैनल का प्रमोशन करते आउट ऑफ इंडिया भी जाए तेरा ब्लॉग। मेरा तो देखते हैं स्विट्जरलैंड तक जाता मेरा, टेंशन बदले तू। चलो दोस्तों अब निकलते हैं घर, पूरे रास्ते तो दिखी नहीं थी पायल, अब देख लो घर छोड़ने आए हैं। यहाँ से ऊपर ही चढ़ जाते हैं ना यार। स्पोर्ट्स बाइक चलाने का मजा तो अपना ही अलग होता है, लेकिन इसमें लॉन्ग राइड नहीं की जा सकती। जज्बा होता है जो स्टार्टिंग से स्पोर्ट्स बाइक चला रहा है ना, वो तो स्पोर्ट्स बाइक पे कर लेता है ट्रैवल, लेकिन जैसे लॉन्ग ट्रिप के लिए क्या होता है, लगेज भी मस्ट होता है। इस पर लगेज ले जाना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा, उसके बाद में इंसान अनकंफर्टेबल हो जाएगा, देन इसके ऊपर अलग साइडों में पेटियां लगवाएंगे तो अच्छे हिस्सा लगता है। लेकिन अगर आपको एक स्पोर्टी लुक के साथ में लॉन्ग ट्रैवल करना है ना, तो कर सकते हो बिना लगेज के, लेकिन बट मेरे को ऐसा लगता है ना लॉन्ग ट्रिप लगेज बिना हो ही नहीं सकता। काम का दूसरी गाड़ी का वो करोगे उससे अच्छा है कि आप एडवेंचर बाइक सेगमेंट पे आप लॉन्ग ट्रिप करो, ताकि उसमें पैनियर्स वगैरह में आपका लगेज वगैरह सब कुछ आ जाए। अरे यहाँ पे क्रिकेट अकेडमी कहाँ पे है? मैं इसी रोड पे। कितनी दूर है? बस रोड तो बढ़िया है ना ये, ठीक। अच्छा आगे से है ना, ठीक है। तो दोस्तों अभी हम कहाँ जा रहे हैं, जो मैं सुबह बोल रहा था ना क्रिकेट, यानी आप भी तो बोला नहीं था व्लॉग में, लेकिन कल मैंने हमारे ऑफिस के टीम में नाम लिखवा दिया था, यानी हमारी अलग अलग टीमें बनी हुई है तो उनमें नाम लिखवा दिया था। तो सोचा रात तक तो कोई अपडेट नहीं थी, फिर अपडेट आ गया हमारे पास में एकदम से, जैसे रेस करने लगे हम कि आप आए नहीं। मैंने कहा सर मेरे को कोई अपडेट ही नहीं थी। हाँ ब्रो, हाँ हाँ ठीक है, ठीक है ब्रो। तो अभी ब्रो ने हमारी हेल्प करी, तो कॉल आया बोला आप आए नहीं। मैंने कहा सर कोई अपडेट ही नहीं मेरे पास में, तो फिर कैसे आता, लोकेशन भी नहीं थी। तो फिर तने बोला कोई बात नहीं अब आ जाओ फटाफट। बस फिर क्या, हमें खेलने के तो शौकीन रहे हैं हम हमेशा से, तो बस निकल लिए फिर, ज़्यादा टाइम थोड़ा लगता है। हमें जलवा है हमारा। पहुँचते दोस्तों ऑलमोस्ट पहुँच गए, इन बिल्डिंगों के आसपास की थी लोकेशन, तो वैसे 900 मीटर या 800 मीटर ही बता रहे हैं। तो चलो पहुँचते, मिलते हैं आपसे गार्डन में पहुँचने के बाद में ना। स्टेडियम में पहुँच गए और हमारे जो सर हैं जिन्होंने मुझे कॉल किया था वो बैटिंग कर रहे हैं अभी फिलहाल, दिख रहे हैं ना कोको कोला कलर ब्राउन कलर की टी शर्ट के अंदर, और हम बैठे हैं अभी, हमें पता ही नहीं हम किसकी टीम में। जब तक बैटिंग या फील्डिंग नहीं आएगी ना तब तक नहीं पता चलेगा। अभी बैठ के ओनली चल मार रहे हैं छाया के अंदर, जब फील्डिंग करने का मौका आएगा या इनमें से कोई आउट होगा तब पता चलेगा कौन खेलने जाएगा, उसके बाद में हम किसकी टीम में, है ना। और धूप बहुत तेज़ हो रही है, बाद तो मन यहीं ख़राब हो रहा है सबका। आउट कर रहे थे, आउट हो गए। क्या ही बोल रहा था मैं, परेशान हैरान किसकी टीम में ये इंसान। वाह क्या राइमिंग बैठाई है मैंने, और इसी बात पे एक पैकेट गिरता हुआ, एक विकेट तो गिर गया। फील्डिंग कर रहे हैं, देखते धीरे धीरे अब मैं आपको कितना दिखाऊंगा। मैं खेला ओनली चार बॉल, ओनली चार, तो कोई ज़्यादा नहीं है, खाली निकाली थी चारों। तो अभी खेल लेते हैं अच्छी तरह, फिर उसके बाद मैं रिजल्ट बताता हूँ आपको डायरेक्ट, है ना। मिलते हैं थोड़े देर में फिर।
जहाँ से गए थे ना वहीं पे पहुँच गए। तो हमारा क्रिकेट तो हो चुका, हमारी टीम ही जीती है 45 रन से। अब तो घर चलते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं आधा एक घंटा, कपड़े धोते हैं, एडिटिंग करते हैं, नहाते हैं, फ्री होते हैं, कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज का दिन तो बहुत ज़्यादा ही हेक्टिक रहा हमारा। सुबह 3:30 बजे उठ करके वीडियो एडिट करना, घूम के आना, देन उसके बाद में क्रिकेट खेलने जाना दोपहर में, और भरी धूप में क्रिकेट खेलना। उसके बाद में 3 बजे घर आने के बाद में थोड़ी देर सोना घंटा भर, एंड देन उसके बाद में कपड़े धो करके अपने नहाना धोना, फिर वीडियो एडिटिंग करना। पर अब रात के बज रहे हैं 10:30, वीडियो एडिटिंग करिए एंड अभी फ्री हो। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। होप करता हूँ आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा अदर वीडियो की तरह। पसंद आया अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, जाने से पहले पहला आइकन जरूर दबा लेना ताकि मेरे नए नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। साथ साथ कमेंट करके जरूर बताना वीडियो में क्या अच्छा लग रहा है क्या बुरा लग रहा है। फिर मिलते हैं ऐसे किसी मजेदार वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय 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 गाइस।